रिवेंज या बेपनाह मोहब्बत एपिसोड नंबर 8। रणविजय जी शौर्य की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि रणविजय जी को शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले शौर्य और सांझ को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया था। रणविजय जी के जाने के बाद रागिनी जी शौर्य के पास आकर कहती हैं, शौर्य, क्या आपने सच में सांझ से शादी कर ली? तो शौर्य रागिनी जी से कहता है, जी माँ, हमने सांझ से शादी कर ली है। रागिनी जी शौर्य से कहती हैं, तो कब ला रहे हो हमारी बहू को? तो शौर्य हंसकर कहता है, बहुत जल्द माँ। रागिनी जी कहती हैं, अच्छा चलो अब आराम करो, मैं खाना भिजवाती हूँ। शौर्य अपने रूम में चला जाता है। उस रूम में शौर्य और सांझ की 5 साल पहले की बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें लगी हुई थी। शौर्य रूम में आकर वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद शौर्य वॉशरूम से बाहर आता है और सांझ की तस्वीर को देखकर कहता है, आज तुम पूरी तरह से मेरी हो गई। आई एम सो हैप्पी एंड लव यू सो मच। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपनी नौकरी पर निकल जाती है। सांझ विधि के साथ होटल के लिए निकल जाती है। भले ही सांझ ने अपनी बहन रुद्राक्षी को बचाने के लिए शौर्य से शादी कर ली थी, पर वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि इस ऑपरेशन और सारी हॉस्पिटल का बिल तो उसने होटल के मैनेजर रोहित से लिया था। वो होटल निकलकर अपना काम करने लगती है। वहीं रोहित सीसीटीवी में सांझ को ही देखे जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं रोहित के कैबिन में मिस्टर मल्होत्रा आते हैं। अर्जुन, मिस्टर मल्होत्रा रोहित के पापा, रोहित को इतना खोया हुआ देखकर उस ओर देखते हैं जहां रोहित देख रहा था, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अर्जुन जी रोहित के कंधे पर हाथ रखते हैं, तो रोहित चौंक कर अपना लैपटॉप बंद कर लेता है। मिस्टर मल्होत्रा रोहित से कहते हैं, क्या बात है बेटा, क्या बात है मेरे सन, मैं देख रहा हूँ तुम 10-12 दिन से खोए खोए लग रहे हो और तुमने अर्जेंट में ये होटल खरीदा, क्या बात है बेटा। तो रोहित बात को टालकर कहता है, डैड ऐसा कुछ नहीं है, मुझे होटल में भी कुछ करना था, कुछ इन्वेस्ट करना था और मैं इस बारे में बहुत सोच भी रहा था और मुझे ये होटल अच्छी लगी तो बस मैंने ये होटल खरीद ली और कुछ नहीं। तो अर्जुन जी हंसकर कहते हैं, ओके माय सन, अभी चले, बिजनेस मीटिंग है। तो रोहित कहता है, ओके डैड चलिए। दोनों होटल के 10th फ्लोर पर VIP रूम में आते हैं और मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। तो हेलो गाइस, आई होप को आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। मुझे पता है ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, तो प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिए। मैं ये एपिसोड लिख नहीं पाई थी, मेरे पास इतना ही था। तो मैं आपको, आई होप आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो और आपको रोहित का कैरेक्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं जिससे मुझे स्टोरी लिखने में कोई भी मतलब पावर सी महसूस नहीं हो रही है कि मुझे आपके लिए स्टोरी लिखनी है। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए मेरे
मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए। और इस स्टोरी को जानने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्द बड़े बड़े एपिसोड आपको दे सकूँ। थैंक यू, आई लव यू बहुत सारा आप सबके इतने सपोर्ट के लिए।